सभी को नमस्कार। मैं कपिल त्यागी, लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 1853 का चार्टर एक्ट। हमारी एक संवैधानिक विकास के ऊपर सीरीज चली हुई है, उसी का एक पार्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। शुरुआत की वीडियो में आप लोगों को मालूम चला था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करने के लिए आई थी, उसे कंट्रोल करने के लिए समय समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ कानून बनाती थी, और उन्हीं कानूनों में एक कानून है 1853 का गवर्नमेंट एक्ट। इस कानून में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जिस भी कर्मचारी की भर्ती की जाएगी, उसके लिए उसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना होगा, एक खुली प्रतियोगी परीक्षा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी होगी। इस एक्ट के पास होने से पहले कंपनी में जब भी कोई वैकेंसी खाली होती थी तो कंपनी में जो पहले से ही एम्प्लॉय काम कर रहे थे वो अपने ही किसी यार रिश्तेदार को उस पोस्ट पर रखवा देते थे या उस पोस्ट पर उसका सिलेक्शन करा देते थे। तो इस प्रक्रिया को भाई भतीजावाद बोला जाता था, इसे कहते थे भाई भतीजावाद। नेप्टूजम यानी कि अपने ही परिवार के किसी ना किसी सदस्य को नौकरी दिलवा देना या उस स्थान पर नौकरी करवा लेना, इसे भाई भतीजावाद बोला जाता था। तो इस चीज को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कानून में ये प्रोविजन शामिल किया गया कि आने वाले दिनों में जो भी कंपनी में कोई पोस्ट खाली होगी उसके लिए एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना होगा। दूसरा, इस एक्ट में दूसरा पॉइंट यह शामिल किया गया कि बंगाल के लिए एक नई पोस्ट बनाई गई और उस पोस्ट का नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि कलकत्ता से ही ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को कंट्रोल करती थी, इसलिए कलकत्ता में एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट बनाई गई। और तीसरा पॉइंट है कि इसी एक्ट में भारत में कानून निर्माण के लिए एक 12 मेंबरों की विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक 12 मेंबरों की विधान परिषद बनाई गई जो भारत के लिए नए कानूनों का निर्माण करेगी। तो इस एक्ट के बस ज्यादा इतने पॉइंट इंपोर्टेंट नहीं है, आपको 2-3 पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखने हैं। और मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ नया एक्ट लेकर। तो थैंक यू वेरी मच।